नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। सुनने में आता है कि पढ़ाई बेकार में होती है, पढ़ाई क्यों की जाती है, तो आज हम आपको पढ़ाई के कुछ काम बता रहे हैं। पढ़ाई से क्या प्राप्त किया जा सकता है, पढ़ाई के क्या उद्देश्य हैं, मल्टीपर्पज़ जो उद्देश्य हैं, मल्टीपर्पज़ उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में पढ़ाई क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई पढ़ने से, शिक्षा ग्रहण करने से सबसे जो मेन काम होता है वो बुद्धि का विकास होता है। यह तो बुद्धि सभी मनुष्य के पास होती है, लेकिन उसका विकास होता है, और जब बुद्धि का विकास होता है तभी उसका सदुपयोग किया जा सकता है, बिना बुद्धि के उसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता। नंबर दो, घर व समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा हो, जितना पढ़ा लिखा होता है उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ जाती है। तीसरा, जीवन में संघर्ष करने की क्षमता, लेकिन तो सभी में क्षमता होती है, लेकिन जीवन को किस तरीके से जिया जाता है, किस एंगल से देखा जाए, कब कौन सी परिस्थिति में किस एंगल से यूज किया जाए, उसका हमें एक संघर्ष करने की क्षमता उपलब्ध होती है। उसके बाद होता है एजुकेटेड जो व्यक्ति होता है उसकी अमीर बनने की क्षमता। एक अनपढ़ असाक्षर जो होता है उसकी तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। यानी पढ़ा लिखा अच्छा जॉब कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नई फील्ड में ज्वाइन कर सकता है, और उसको गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी में उसको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, हर कोई अपनी बातों से, अपने कामों से उन्हें उल्लू बना देता है, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करता है, लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो उसका बुद्धि विवेक दोनों काम करेंगे, जीवन में संघर्ष करने की क्षमता आएगी, और उसे कोई भी व्यक्ति उल्लू नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसके अलावा लोगों को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि दुनिया की ज़्यादा समझ हो जाती है, दुनिया को समझने का जो नज़रिया है, जो एक संकुचित होता है अनपढ़ व्यक्तियों में, वो एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। किस व्यक्ति को किस तरीके से देखना है, कि इसको पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसके अलावा लक्ष्य को पाना आसान बना देता है। जो कोई काम में हम लग जाते हैं तो जो अनपढ़ व्यक्ति होती है, असाचर होते हैं, वो एक सीमित दायरे से उसे सोचते हैं और करने का प्रयास करते हैं, और इससे यही कारण है कि वो ज़्यादातर कार्यों में असफल हो जाते हैं। परंतु जो शिक्षित व्यक्ति है उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और यही कारण है कि वो लक्ष्य को पाने में आसान बना देता है, लक्ष्य को आसान बना देता है। और जो एक लास्ता नौकरी पाना और सबसे बड़ी बात है, मनुष्य को मनुष्य बनाने की जो क्षमता विकसित करती है, वो सच्चाई है दूसरे जीवों से अलग करने का जो क्षमता विकसित करती है वो सच्चाई है। शिक्षा बिना मनुष्य भी एक जानवर की तरह ही बिहेव करता है, और जानवर के समान ही होता है, क्योंकि एक बुद्धि मनुष्य में ही पाई जाती है, बुद्धि